वेलकम टू वानिक। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इस वानिक चैनल पे स्वागत करता हूँ। और कहते हैं ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। ठीक है, तो चलिए इसी खूबसूरत लाइनों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर आप इन सब चीजों को एक बार यूट्यूब पे बेसिक चीजें पढ़ा दे, जिससे हमारा सिलेबस कभी भी ये सब चीजें बेसिक रिवीजन करने में या प्रैक्टिस करने में इशू ना हो। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, जिससे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इशू है, दिक्कत है, मैथ्स को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या किसी भी चीजों को ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायर करने में, रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, एनीथिंग, सारी चीजें विद इन सेकेंड्स होती है। और विद इन सेकेंड्स में कैसे करेंगे, आइए बने रहिएगा हमारे साथ, जो कि देखते हैं एक स्मार्ट तरीके से। जैसे मैंने एक लास्ट क्लास में स्क्वायर का भी मैंने बताया था, ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेकर आया हूं। ऐसे ही कुछ वीडियोज आपको मल्टीप्लीकेशन के मिल जाएंगे और भी इसी तरीके के ट्रिक्स के साथ हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन होगा आज, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होगा। ठीक है, दोनों से कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होगा। और कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन। आज का जो हमारा एडिशन हम पढ़ने वाले हैं वो फ्रैक्शन एडिशन है। फ्रैक्शन एडिशन में सबसे पहले हमें एक चीज जानना है कि फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो पी बाई क्यू के टर्म में होता है। जैसा कि हम पी जो लिखा हुआ है ऊपर जो लिखा हुआ है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, या फिर इसे जो है वो बेस भी कहा जाता है। ठीक है, नीचे है इसलिए इसे बेस भी कहते हैं, या फिर और दूसरा इसमें जो है वो फ्रैक्शन का हमारा क्या है कि हम फ्रैक्शन को, दूसरा इसका पॉइंट है कि पहला ये पी वाई क्यू के टर्म में होना चाहिए, दूसरा पी वाई क्यू का जो वैल्यू है वो डेसिमल में होना चाहिए। पी वाई क्यू का वैल्यू क्या है, डेसिमल में। हम किसी नंबर को लिख देते हैं डिवाइड बाय वन करके उसे भी फ्रैक्शन बता सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन के सारे कंडीशन फॉलो नहीं करते। पी वाई क्यू का वैल्यू जो है वो डेसिमल में होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें कि पी वाई क्यू का जो वैल्यू है वो लेस देन वन होना चाहिए, पी वाई क्यू का जो वैल्यू हो वो एक से छोटा हो, या फिर हम इसी में चौथा केस कह सकते हैं कि हमारा पी जो है वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये दोनों बातें एक ही हैं, जब तक पी छोटा नहीं होगा, न्यूमरेटर छोटा नहीं होगा, उसका वैल्यू एक से कम नहीं होगा। ये फ्रैक्शंस की बातें थी। कई बार हम ऐसा चीजें देख लेते हैं फ्रैक्शन में, जैसे हम ये देख ले कि 6 2/3 बहुत ही कॉमन केस है, ये 6 2/3 बहुत जगह आएगा, बहुत जगह आपको क्वेश्चन में मिलेगा, परसेंटेज वगैरह में भी। तो इसका मतलब क्या होता है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये 20/3 लिखा हुआ है। तो क्या ये फ्रैक्शन है, ये पी वाई क्यू के टर्म में है, डेसिमल में है, लेकिन इसमें यही है कि पी वाई क्यू का वैल्यू वन नहीं है, लेस देन वन नहीं है, या पी जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर से छोटा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है, इसीलिए इसे मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो 6 + 2/3 होता है। 6 जो है वो हमारे पास कंप्लीट नंबर है, और हम ये कह रहे हैं कि 2/3 जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, फ्रैक्शन। इसीलिए नंबर और फ्रैक्शन जब दोनों चीजें मिक्स हो जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे अगर कोई टर्म लिखा हुआ है 6 + 2/3, ठीक है, या 6 2/3, दैट मीन्स हम कह सकते हैं किसी भी नंबर पे, जैसे कोई भी नंबर हो उस पे पावर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे अगर हम लिख लिए एक्स, एक्स पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1। वैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होता है तो बीच में चीजें यहाँ पे क्या होती है, प्लस होती है। जैसे हम छोटा सा चीज भी आपको समझा सकते कि अगर हम ये कहते कि 8 2/5 + 4 3/5, अगर हम दोनों को ऐड करना चाहे तो क्या करेंगे, तो हम जान रहे हैं यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 8 और 4 पहले ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12, और नीचे दोनों के 5 है तो ये 5 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, 5 से 5 कैंसल 1 टाइम में, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
तो इसी तरीके से फ्रैक्शन एडिशंस के क्वेश्चंस को ऐड भी करना या सब्ट्रैक्ट भी करना, मतलब फ्रैक्शन एडिशन में स्टार्टिंग में जो नंबर दिया हुआ है ये जो है वो नंबर है, पीछे जो रहता है वो फ्रैक्शन रहता है, बीच में साइन कुछ नहीं रहता है लेकिन साइन बीच में प्लस का हाइड रहता है, ये चीजें जानना चाहिए। इसी के कारण हम क्या करेंगे, बहुत सारे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को एक ही बार में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हम किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कुछ इसके एक दो छोटे नियम्स हैं कि कभी भी किसी भी दो टाइप के फ्रैक्शंस को आप कंबाइन करके एक कैसे कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 2 सेकंड्स में, वो पहले जान लेते हैं। उसके बाद फ्रैक्शंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा आज एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम जानते हैं, अभी तक हम ये जाने कि मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा, दैट मीन्स वहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो देखते हैं कि फ्रैक्शन में वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा रूल है जिसके कारण हम फ्रैक्शन एडिशंस के क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसे हम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे पहले वाले में क्या कहा जाता है कि बेस जिसमें ना सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम, सेम बेस का, सेम बेस का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 4 by 7 प्लस 8 5 by 7 माइनस 6 6 by 7। अगर हम इसे ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा सेम बेस में। तो हम अभी तुरंत बोले हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि फ्रैक्शन एडिशन में हमें करना क्या है क्वेश्चन में, कि हमें नंबर्स को पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना। जैसे हम देख रहे हैं 8 और 6 14 और 14 में 6 माइनस कर लेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा 8, और सेम बेस में होगा क्या, सभी बेस मिलकर एक बेस में बदल जाएगा, बेस जो है वो बेस में 7 ही रह गया। ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं 5 और 4 9 और 9 में से 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 8 3 by 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल भी ले लें इस पे, अगर हम ये बात करें कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि अभी हम तुरंत बताएं सारे नंबर्स को पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 8 और 6 कितना 14, 14 माइनस 4 कर लेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर बेस सेम रहेगा तो बेस चेंज नहीं होगा, तो बेस क्या हो जाएगा 9 का 9 ही रह जाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं 7 और 4 11, 11 में से 8 माइनस कर लेंगे तो 3, 3 में 4 ऐड कर लेंगे तो 7, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया 12 7 by 9। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ सेम बेस पे कि और किस तरीके से हो सकता है हमारा क्वेश्चन, तो हम ये देख सकते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है इसे ही हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। पहले अगर सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हम क्या करेंगे पहले 8 माइनस 6 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 4 कर लेंगे 3, 3 और 8 कितना आ जाएगा 11, नंबर हमारे पास 11 आ गया। बेस अगर सेम है सभी का 13 है तो यहाँ 13 ही होगा। उसके बाद हम नंबर्स को ऊपर ऐड कर लेते हैं 9 और 7 कितना 9 7 आ गया हमारा 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, 28 में हम देख रहे हैं कि 11 और 4 कितना 17 माइनस होगा तो बचेगा कितना 11, तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ गया 11 11 by 13।
तो हम क्या कह रहे हैं, पहला जो था हमारा सेम बेस था कि अगर बेस सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद बेस सभी बेस मिलकर एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी न्यूमरेटर्स के नंबर होंगे प्लस माइनस करके फाइनली आंसर हम लिख देंगे। दूसरा जो हमारा इसमें है, पहला सेम बेस था, दूसरा जो इसमें आता है हमारा वो कॉमन बेस कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो ठीक है, इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा जो हमारा वो कहलाता है वो क्या है, कॉमन बेस। कॉमन बेस, बेस इस तरीके का होना चाहिए कि एक बेस दूसरे बेस में कंप्लीटली कॉमन हो, कंप्लीटली कॉमन। जैसे अगर हम बात करें 4x और 6y, तो 4x और 6y में भी कुछ चीजें कॉमन है, 4 और 6y में जो है वो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन 4 पूरा का पूरा कंप्लीटली 6 में नहीं है, या 6 पूरा कंप्लीटली 4 में नहीं है। जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि 4x और बात करते 12y, तब इसमें हम कह सकते हो क्योंकि 4 जो है वो 12 में कंप्लीटली कॉमन है, 3x प्लस 18y, 3 जो है वो 18 में कंप्लीटली कॉमन है। तो इस टाइप का अगर बेस मिले तो उसको देखो 1 से 2 सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे और क्या हमारा तरीका होगा। जैसे अगर हम छोटा सा सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं विदाउट मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन का, जैसे अगर हम ये कर ले 3/4 प्लस चलो कर लेते हैं 5/12, अगर हमें इसे ऐड करना है तो कॉमन बेस में हम करेंगे क्या, कॉमन बेस का हमारा सिर्फ इतना ही काम होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में जो बेस बड़ा रहेगा उसे लिख लेंगे, बेस 12 है, 12 को मैंने लिख लिया, 4 से क्या करेंगे 12 में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब इस 3 को जो है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 कितना आ गया 9, बीच में यहाँ प्लस है तो 5 ऐड कर दो, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7/6, 7/6 का मतलब हो जाएगा 1/6। या फिर और भी हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे अगर हम माइनस में ले लें 8/4/7 − 4/5/21, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8 में से 4 माइनस कर लेते हैं, तो 8 − 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 − 4 करेंगे अभी तो 8 − 4 कितना आ जाएगा 4, और हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में से बड़ा वाला बेस को लिख देना, बेस क्या है 21, 7 से डिवाइड भी करेंगे तो कितने डिवाइड, कितने टाइम में डिवाइड होगा 3 टाइम में, तो 4 × 3 कितना 12, 12 माइनस 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये फिर कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 4 1/3, 7 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देख सकते हैं इस पे, इसे और अच्छे से समझने के लिए, चाहे ये प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे हम ये कर ले 4 3/5 + 8 7/20, तो हम क्या करेंगे पहले ऐड कर लेंगे 8 और 4 कितना 12, उसके बाद कॉमन बेस यहाँ 5 है यहाँ 20 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 से ये 4 टाइम में, तो 4 × 3 कर लेंगे 12, और प्लस में है तो 12 और 7 कितना आ जाएगा 19। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी दो टाइप का कॉमन बेस टाइप का फ्रैक्शन हो तो उसे विद इन सेकेंड्स में दोनों को हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसमें हम तीसरा देखते हैं, पहला सेम बेस था, दूसरा कॉमन बेस है, तीसरा इसमें जो आएगा वो डिफरेंट बेस होगा, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं देखते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में। जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, डिफरेंट बेस होगा, बेस क्या रहना चाहिए डिफरेंट रहना चाहिए। मतलब अगर छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे अगर हम ये बात करें 2/5 + अगर हम कर लेते 3/8, तो डिफरेंट बेस सबसे आसान कैसे और बहुत अच्छा से समझ, बहुत अच्छे से समझना, करेंगे क्या, सबसे पहले दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे रख दिए मल्टीप्लाई करके 40, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 8 × 2 = 16, 5 × 3 = 15, बीच में प्लस था तो 16 और 15 कितना आ जाएगा 31, अगर ये बीच में माइनस होता तो फिर क्या कर लेते हैं हम, बीच में माइनस कर लेते हैं।
ठीक है, प्लस होगा तो प्लस करेंगे और माइनस होगा तो माइनस करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। जैसे हम कह सकते हैं 6 2 by 5 प्लस 4, चलो 4 1 by 4 ही कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऐड कर लेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके बेस में रखेंगे, 5 into 4 कितना 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को जो है वो इस 2 के साथ करना है, 4 into 2 8, और ये 5 को इस 1 के साथ करना है, 5 into 1 5, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। तो आंसर क्या हो गया 10 13 by 20। और भी कर सकते हैं, जैसे अगर माइनस में ले लें, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को बनाना है तो हम क्या करेंगे, 8 minus 4 पहले 4 हो जाएगा, 7 और 11 है तो दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 77। मल्टीप्लाई कर ले 11 into 4 44, 7 into 5 35, तो 44 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो आंसर कितना हो गया 4 9 by 77। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे अगर और बात करें कि प्लस में, तो हम कर सकते हैं 8 4 by 5 प्लस 7 3 by 4। तो अगर हम इसे ही ऐड करें तो हम कह सकते हैं 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। उसके बाद हम कह सकते हैं 5 into 4 कितना हो जाएगा 20, 4 into 4 16, 5 into 3 15, तो ये कितना आ गया 31। बट ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। तो आप ये देख सकते हो कि 20 से 31 में 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं, 15 पहले से है, 1 टाइम नॉट डिवाइड होगा तो 16 हो जाएगा। 20 से जब आप 31 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा 11 आएगा, और नीचे बचेगा कितना 20। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट था कि सेम बेस रहेगा तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमन बेस को कर सकते हैं और डिफरेंट बेस को कर सकते हैं। तीनों से मिला हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एक दो एग्जांपल हम दोनों को मिला के ले लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है मिला हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से हम बनाएंगे इसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा ऐसा हो सकता है कुछ, जैसा कि अगर हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है, तीनों का बेस हमारा क्या है डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले तो नंबर ऐड कर लेते हैं, 7 और 4 11, -5 करेंगे 6। उसके बाद आप देखो ऐसे परसेंटेज का फ्रैक्शन भी यूज कर सकते थे कि 3 by 5 का मतलब 60% होता है, 1 by 2 का मतलब जो है वो 50% होता है, तो 60 में से 50 माइनस होता तो 10% बचता, और 10% का वैल्यू जो है वो 1 by 10 हो जाता। आप वैसे भी कर सकते थे, नहीं तो आप किसी भी तरीके से, आप देख रहे हो सभी डिफरेंट है, तो आप तुरंत क्या करो, इन दोनों को तुरंत, जैसे अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लें तो इन दोनों के नीचे जो है वो क्या बनेगा 10 2 into 3 6, 5 into 1 5, तो 6 में से 5 माइनस होगा, क्या होगा 1 by 10। और हमारे पास एक फ्रैक्शन और क्या है 4 by 9, इन दोनों को तो प्लस ही करना है ना, तो प्लस कर लेते हैं, डिफरेंट बेस से बना लेंगे, क्या हो जाएगा 9 into 10 90, और उसके बाद कर लेते हो ये 40 और ये 9, कितना हो गया 49, तो आंसर क्या हो गया 6 49 by 90। या फिर और भी ऐसा क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में कहीं सेम बेस दिख जाए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों में बेस क्या है सेम है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा हो सकता है कि 4, सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 और 7 11, 11 और 8 कितना 19,
19 में 7 अगर माइनस कर ले तो नंबर हमारे पास कितना आ गया, 12। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि इसके बेस में 9 है, इसके बेस में भी 9 है, तो नीचे तो 9 ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 और 5 9। मतलब आप इन दोनों को ऐसे कह सकते हो, नीचे 9 आएगा तो ऊपर भी 9, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हम कह सकते हैं 12+1 हो गया। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन और बचा हुआ, ये 4/5 और ये 1/2। या तो आप डिफरेंट बेस से बना सकते हैं, तो 5 × 2 करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10। और अगर आप देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 5 × 1 माइनस का 5 और 4 × 2 8 प्लस का 8, तो 8 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 3। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 13 3/10। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन एडिशंस के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके बनाएंगे। अगर ये इक्वेशन टाइप में भी रहे तो कोई फर्क नहीं, आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बेस लेकर के भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी आप दो फ्रैक्शंस को मिला के एक बनाए, फिर उस दो को तीसरे से कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आप लोगों को दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। सो गाइस, सभी लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।